हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग और हम फिर से आ गए एक नए सेशन की तरफ जो कि हमारा एक छोटा सा डिस्क्रिप्टिव व्यू होगा जो कि आप जी ट्वेंटी के बारे में पूरा जान सकते हैं हमने डिटेल्ड में इस पूरे आर्टिकल को और इस एडिटोरियल को एकदम ब्रीफ करके और सामने आपके रखा है तो जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ऑल अबाउट जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी और ये हमारे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हेड कर रहे हैं और जिनके आइडियाज हम पहले से भी सरा रहे थे और देखते हैं इसमें और कितना बढ़िया कुछ कर पाते हैं सो टू स्टार्ट आपको एक थोड़ा सा जनरल आइडिया जी ट्वेंटी है क्या और जी ट्वेंटी की क्या महत्वता है इज़ द इन करंट अफेयर क्यों important है उससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि शुरुआत कैसे की जाए एक शुरुआत जो है वो पॉजिटिव वाइब्स के साथ की जाए तो हम करेंगे एक मोटिवेशनल थॉट जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा और आप जैसा देख रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर विवेकानंद जी दिख रहे हैं आपको और वो कह रहे हैं कि गोल इज reached. तो दोस्तों मैं हमेशा इस बारे में बात करता हूं कि आपको किसी भी गोल से जब तक आप गोल को अचीव नहीं कर लें तब तक आपको रुकना नहीं है आपको लड़ते रहना है बढ़ते रहना है और आखिरकार एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन आप अपने गोल को अचीव जरूर करेंगे तो माय ऑल हु आर ऑफ कमिंग सून ऑल लॉ एंड अदर तो बी फोकस्ड बी टारगेट ओरिएंटेड एंड बी गोल ओरिएंटेड हमें भूलना नहीं है हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है और कैसे करना है तो सबसे पहली चीज जो हम जी जी ट्वेंटी के बारे में आज जानेंगे वो ये है कि बेसिकली ये आर्टिकल जो आज आया था सुबह द हिंदू के अंदर और ये ऑथर ने क्या बताया इसके बारे में ऑथर ये कहना चाहते हैं हमें कि author, is, कि एज पर ऑथर इट इज जब भी अगर कोई कंट्री या फिर uh, किसी को जी ट्वेंटी का अगर प्रेसिडेंसी uh, मिलता है तो उसका एडवांटेज क्या है और उस कंट्री को क्या इंफेसाइज करना है किन चीजों पे करना है तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो भी और जो कंट्रीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं जो कंट्रीज जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके लिए भी हमें कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट मैटर्स ऐसे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल अफेयर्स को सामने रखना है जिनके सॉल्यूशंस ऑल ओवर द ग्लोब के लिए इम्पोर्टेंट है सबकी ज़रूरत है उनको हमें केटर करना है और उनके बारे में हमें जानना है तो मैं आपको सबसे पहले एक अच्छी सी बात बता देता हूँ वो ये है कि जी की प्रेसिडेंसी जो है वो हमारे पास है और ये अगली साल किसके पास जाने वाली है यह मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जरूर भेजें और मुझे बताएं कि किसके पास जाने वाली है अगली साल लेकिन इस साल की प्रेसिडेंसी हमारे पास है जिसको हम हेड करने वाले हैं और इसके बारे में सारी की सारी बातें आज हम करने वाले हैं तो टू स्टार्ट विथ एंड टू वेरी इंपॉर्टेंटली टू वर्कआउट विथ तो सबसे पहला है कि कौन कौन से कंट्रीज हैं ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ लें बेटा कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इसमें पार्ट ले रही हैं कौन कौन सी हैं कंट्रीज जो जी ट्वेंटी समिट की एक तरीके से कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है इसके साथ में है और जो इसकी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उनके नाम आपके सामने यहाँ पे फ्लैश हो रहे होंगे इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है जिनका सबसे बड़ा स्टेक है और जो कि सबसे लीडिंग रोल प्ले करते हैं वो है सबसे पहला हमारा अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ब्राजील कनाडा एंड चाइना इन कंट्रीज का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर जी ट्वेंटी के अंदर देन वी हैव फ्रांस जर्मनी एंड इंडिया इंडोनेशिया इटली जापान, मैक्सिको एंड आफ्टर दैट वी हैव रिपब्लिक ऑफ कोरिया रशिया सऊदी अरेबिया साउथ अफ्रीका टर्की यूनाइटेड किंगडम्स यूएस एंड यूरोपियन यूनियन ये सभी के सभी कंट्रीज हैं जो कि इसके पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी के अंदर ये सारी कंट्रीज जो हैं वो अपना पार्ट प्ले करने वाली हैं इसके बाद हम इनके कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग पीपल जिनको आप लोग जानना चाहोगे जिनके नाम मेरे हिसाब से आप लोगों को एक तरीके से याद भी कर लेने चाहिए क्योंकि ये आगे फ्यूचर में आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं और आपको इनको स्पेसिफिकली सीक्वेंस वाइज याद करने की जरूरत नहीं है आपको जैसा भी अच्छा लगता है आप उस तरीके से इनको याद कर सकते हैं जो भी सीक्वेंस आपको सिंपल लगती है मैंने इसी सीक्वेंस में रखा है कि आपको इजीली याद हो पाए तो सबसे पहले जो है वो है द प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना मिस्टर अल्बर्टो फर्नैंडिस तो सबसे पहला नाम अर्जेंटीना से क्या रहेगा अर्जेंटीना से अल्बर्टो तो हमें याद रखना है द प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना इज अल्बर्टो हु वुड बी टेकिंग हु वुड बी द पर्सन हेडिंग हिज कंट्री इन दिस समिट देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अगेन ऑस्ट्रेलिया ए स्टार्ट विथ ए सो द प्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज मिस्टर एंथनी एल्बेनिस और मिस्टर एंथनीस जो है उन्होंने रिसेंटली कौन, अपनी पोजीशन जो है अक्वायर की है नेक्स्ट, द ब्राज़ील आप पिक्चर में देख सकते हैं बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं अपने झंडे के साथ में तो हिस नेम इज लोजैसियो लूला सो ब्राजील से आपको याद रखना है डिसवा आप थोड़ा सा अगर अपने को देखने जाएंगे तो बी बी के बाद डी सिल्वा सो so, थोड़ा सा याद करने के लिए इस तरीके से आप इसको कॉन्सेप्ट को रख सकते हैं कि डिसिल्वा सो मिस्टर डिस डिसिल्वा इज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील एंड जस्टिन पेरी जेम्स ट्रूडियो इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जो आप लोगों ने देखा होगा हमारे पंजाबीज बहुत फेमस हैं कितने जानो सी कनाडा जानो सी तो वैसे ही कनाडा जो है कनाडा के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं जस्टिन पेरी देन द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जिनके साथ हम लोग बहुत गर्मा गर्मी में रहते हैं उनका नाम है मिस्टर शीन जिनपिंग और उसके बाद में आते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंच के प्रेसिडेंट इनमुल मैक्रॉन इनमुल मैक्रॉन का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के अंदर जब से ये अपनी पावर में आए हैं हमारे इंडिया के साथ इनके रिलेशनशिप बहुत बहुत अच्छे अच्छे रहे हैं और वी होप कि वो बहुत अच्छे रहते रहें देन द चांसलर ऑफ जर्मनी इज ऑल ऑफ स्कॉल तो अब आप, आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि हमने सुबह भी पढ़ा था कि रिसेंटली हमने एग्रीमेंट साइन किया है जिसके अंदर जर्मनी के साथ भी हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है कि हम हमारे जो स्कॉलर्स हैं जो हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो एक दूसरे की कंट्रीज के अंदर जा सकते हैं और उनके लिए बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स ओपन हो सकते हैं स्किल डेवलपमेंट के स्किल uh, डेवलपमेंट को लेके और भी बहुत सारी चीज़ें जो इस एग्रीमेंट के अंदर हैं वो हमने मॉर्निंग में डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया था देन वी हैव द सुपर नरेंद्र मोदी जी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही वुड बी हेडिंग इट इंडोनेशियाज प्रेसिडेंट जोको विदिदो सो जोको विदिदो इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया जहां पे अभी रिसेंटली ये समिट हुआ था इंडोनेशिया का समिट हुआ था और वहां पे हमारे बहुत बड़े खतरनाक आदमी जिनका अभी नाम अगली स्लाइड में आने वाला है दैट इज मिस्टर पुतिन व्लादिमीर पुतिन जो उन्होंने उस समिट को एक्सेप्ट नहीं किया था वो वहां नहीं आए थे देन द इटली प्राइम मिनिस्टर इज जॉर्जिया मिलोनी सो दिस इज ऑल अबाउट द मेन लीडिंग पीपल हु आर फ्रॉम जी समिट सॉरी जी ट्वेंटी अब हम आगे चलते हैं तो ये है कुछ और बचे हुए uh, नेतागण और हम कह सकते हैं लीडर्स uh, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा मेक्सिको के प्रेसिडेंट हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओपराडोर रिपब्लिक ऑफ कोरिया के हैं प्रेसिडेंट यून सुक योल रशिया के प्रेसिडेंट है वोल्दिमिर पुतिन सऊदी अरेबिया के किंग है सलमान बिन उलबाजुद्दीन अल सैयद साउद साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है सिरिल रामपोसोवा एंड तुर्की दैट इज द प्रेसिडेंट्स नेम इज रसिप तैयप यूनाइटेड किंगडम रिसेंटली वी हैव गॉट इलेक्टेड दिस पर्सन नेम्ड एज रिसी सुनक हु हेल्स फ्रॉम इंडिया हुज रूट्स आर फ्रॉम इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट जोसेफ आर बिडिन जो कि ट्रंप को सरपास करके अभी प्रेसिडेंट बने हैं

किन किन कंसर्न के ऊपर इंडिया वर्क करने वाला है और ये सारा का सारा जो समिट है ये होने वाला है इसका है? इसका मेन पर्सपेक्टिव क्या हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बट दिस इज our कंसर्न हमारी ये कंसर्न है कि हम उसके ऊपर कुछ ऐसे कंसर्न रेज करें और ऐसे कुछ स्टेप्स उठाए जिससे आने वाले टाइम में ये जो क्लाइमेटिक ब्लंडर्स हम आज क्रिएट कर रहे हैं इनको हम कंट्रोल कर पाए ग्लोबल फूड एक बहुत बड़ा कंसर्न है बिकॉज जैसा आप देख रहे हो अभी रिसेंटली न्यूज के अंदर पाकिस्तान की हालत खराब है पाकिस्तान को खाने के लाले पड़े हैं सो so, वहां पे आटे की रेट जो है वो एक रुपया किलो है और उनके नेता लोग जो हैं उनके पास में कोई अभी तक कंसर्न नहीं है तो हमारे लिए एक तरीके से नेबरिंग कंट्री है एशियन कंट्रीज का हमको एक रिप्रेजेंटेशन मिला है इस बार तो हम इन सभी कंसर्न्स को लेके आगे आ रहे हैं फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें तो आप देख रहे हैं श्रीलंका के साथ क्या हो रहा है श्रीलंका में बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है बहुत बड़ा क्राइसिस वहाँ पे आज के दिन इकोनॉमी का चल रहा है हमें उसे भी समझाना है उसके बारे में भी कंसर्न रेज करना है सो इंडिया यूनिक अपॉर्चुनिटी टू लीड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंफ्लुएंशियल ग्लोबल ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स इंडिया हैज आइडेंटिफाइड सेवरल प्रायोरिटीज दैट इज ग्रीन डेवलपमेंट क्लाइमेट फाइनेंस अब हम ये चाहते हैं हमारा जो अप्रंट पे आके हमें एक लीडिंग रोल मिला है कि हम लीड कर सकते हैं अपफ्रंट जैसे आपने क्रिकेट में टर्म सुना होगा लीडिंग फ्रॉम दंट

इंक्लूसिव एंड्रेस डेवलपमेंट गोल्स हमारे मोदी जी ने यह कहा है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है दैट इज वी नीड टू कंजर्व आर रिसोर्सिस एंड वी शुड बी वेरी वेरी गुड सिटीजन हमें उन चीजों को इग्नोर करना है उन चीजों को हटाना है जिनके लिए हमारी जो ग्लोबल कंसर्नस रेज हो रही हैं जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आई वुड गिव यू दैट इज सेविंग वाटर वी नीड टू सेव वाटर हम एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर ना करें वी नीड टू डिस्कार्ड प्लास्टिक्स बिकॉज ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक कंसर्न है सो so, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने लाइफ के थ्रू बताई है देन ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए अगर हमें डेवलप करना है और ये बेसिकली जो एस जी ट्वेंटी है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा रो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए सी अगर कोई भी क्राइसिस है कोई भी प्रॉब्लम्स हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास रिसोर्सेज हैं इसको कंट्रोल करने के इससे ऊपर निकलने के लेकिन जो कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास में ऐसे रिसोर्सेज नहीं हैं वो हैं डेवलपिंग कंट्रीज तो उनका लेखा जेखा लगभग सबका बराबर ही है सबने अपने अपने घर में वो खड्डे खुदे हुए देखे हैं तो हम एक दूसरे का दर्द भी समझ सकते हैं और हम एक दूसरे को मरहम लगाने के लिए ही आगे बढ़े तो ये अच्छा रहेगा सबके लिए देन दैट द प्रायोरिटीज आर ग्लोबल द मोटो वसुदेवा कुटुम्ब कम ये हमने एक मोटो दिया है नरेंद्र मोदी जी ने दैट इज द मोटो विच सेज दैट वन अर्थ वन फेम फैमिली एंड वन फ्यूचर जैसे हमने पहले भी बताया है कि जब हम लीड कर रहे हैं तो हमें लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम एक मोटो के साथ आगे बढ़े और मोटा हमारा ये है कि शुड बी ए सिंगुलर थॉट प्रोसेस फॉर दैट इन वन फ्यूचर अगर हम सब एक दूसरे का अच्छा भला सोचेंगे तो ही इस अर्थ का सर्वाइवल जो है वो एक बेटर तरीके से हो सकता है अदरवाइज देर वुड बी सो मेनी प्रॉब्लम्स जो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड वुड अंडरस्टैंड कि अगर ये सारी चीजें हमने कर ली तो शायद हो सकता है कि हमें वो एडवांटेजेस मिल पाए जो एडवांटेजेस हम आज तक ढूंढ रहे थे कि हम कहाँ लैक कर रहे थे अब लैक कहाँ कर रहे हैं लैक कर रहे हैं बहुत सारे इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स के अंदर मेजोरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स दैट साउथ एशियन कंट्रीज फेस आर ग्लोबल इन नेचर एंड ट्रांसेंड नेशनल बॉर्डर ग्रुप एफर्ट्स जैसे इंडिया का चाइना के साथ प्रॉब्लम चल रहा है साउथ व्हाट वी से पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर अभी और ही तरीके के इकोनॉमिक क्राइसिस हैं सेम इज विद द केस विद द श्रीलंका तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक कंसर्न है ग्लोबली हमें इस चीज़ को समझना चाहिए और ये क्यों है नाउ लेट्स सी इन ऑगस्ट 2022 इन्फ्लेशन इन in श्रीलंका रीज इन ऑल टाइम 100, 100 रुपए की थी वो आज के दिन 200 रुपए की हो चुकी है सो टाइम अलार्म फॉर दैट कंट्री तो ये हमारी भी कंसर्न होनी चाहिए इसको हम एक नेबरहुड के बिहाफ पे इसको रेज कर रहे हैं यहाँ पे हमें करना भी जरूरी है

जैसे फॉर एन एग्जाम्पल योर वीट क्रॉप योर पेट्रोल योर फॉसिल फ्यूल्स ये सब जो है ये यूक्रेन और साउथ अफ्रीका से लिया जाता है साउथ अफ्रीका की जो अफ्रीका की जो गरीब कंट्रीज हैं उनके थ्रू तो आप सोचिए उनकी सिचुएशन कितनी फैटल हो चुकी होगी बिकॉज ऑफ दिस वॉर एक वॉर दो कंट्रियां लड़ रही हैं लेकिन उसका घाटा पूरा देश नहीं पूरा वर्ल्ड भुगत रहा है तो हमें ऐसे कुछ पॉइंट्स के ऊपर आना पड़ेगा जहां पे हम एक दूसरे के बारे में सोच सकें और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब हमने ये जिम्मा उठाया है हमारे कंधों के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने कि मैं ये समिट को बहुत फ्रूटफुल बनाऊंगा तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें उन सभी कंट्रीज को इन्वाइट भी करना है और उन सबका पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए जैसे पुतिन जी ने अभी इंडोनेशिया के अंदर जो समिट हुआ था उसके अंदर उन्होंने अपना पार्ट प्ले नहीं किया वो नहीं आए तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है कि हम उनके लिए उनके साथ एक गुडविल क्रिएट करें और उनको हमारे इस जी uh, ट्वेंटी के लिए बुला पाए ताकि हम उन मैटर्स पे डिस्कशंस कर पाए जिन लोगों जिनके कारण हमें ही नहीं पूरे वर्ल्ड को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं सो नेक्स्ट द इम्पॉर्टेंट थिंग बहुत ही अच्छा है दैट इज चार्टिंग द वे फॉरवर्ड अब जब सब सामने आ चुका है तो अब क्या वे होगा कैसे हमें आगे बढ़ना है कैसे बढ़ना है दैट इज इन ऑल द आर ऑन लीडरशिप टू प्रोवाइड ए रोड मैप टू सम ऑफ द मेजर चैलेंजेस बिफोर द सबस्टेंशियल एट द टाइम वैन मल्टीलेटरलिज्म सेल्फ इज एक्सपीरियंसिंग ए क्राइस ऑफ रेलिवेंस देखिए यह बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक दूसरी कंट्रीज के बीच में इंटरनल डिस्प्यूट्स बहुत हैं। अब हमें उन सबको हटा के उनको एक साथ बुलाना यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को पूरा करने का काम भी हमारे पास ही है बिकॉज़ जब हमें प्रेसिडेंसी मिली है तो हमें अपफ्रंट आके खेलना पड़ेगा और हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा वी मेक इट श्योर दैट वी आर हिटिंग द राइट स्पॉट्स और हम वो सब कुछ पा पाए जो डेवलपिंग कंट्रीज की आज जरूरत है ताकि वो भी प्रॉस्पर करके डेवलप्ड कंट्रीज बन पाए तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है देन इंडिया शुड यूज इट्स G20 चेयर टू रिफॉर्म इंटरनेशनल गवर्नेंस प्रोसीजर्स एंड इंश्योर फेयर नेगोशिएशंस और हम फेयर नेगोशिएशंस को प्रमोट करना चाहेंगे यहाँ पे जो भी हमारे एग्रीमेंट्स हैं जो भी हमारे ट्रीटीज हैं किसी भी कंट्रीज के साथ या फिर इंटरनली किसी और कंट्रीज की तो हम चाहते हैं कि वहां पे फेयर नेगोशिएशन हो ताकि सब लोग इस चीज को यूटिलाइज कर पाए और अच्छे से बेनिफिट हो पाए सभी को नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कि जब आप ये सारी चीजें एक तरीके से समझना चाहोगे तो आपको इनके नोट्स क्रिएट करने पड़ेंगे आपको एक नोट्स बना के और उन नोट्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर योर फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्योंकि आपको ये वीडियोस तो एनी डे अवेलेबल हैं आप कभी भी इनको खोल सकते हैं

एंड गुड बाय जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक के साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडो श्रीलंका रिलेशनशिप क्यों क्योंकि करंट अफेयर्स में जहां इंडिया है वहां सब कुछ है तो हमें वो करंट अफेयर भी उठाना है तो हम उसके ऊपर डिटेल में कुछ ही समय के अंदर एक और नई वीडियो के साथ आ रहे हैं तो बने रहिए और देखते रहिए अड्डा 247 ये है हमारे ऐप फीचर्स आप चाहे तो अगर आपको डिटेल्ड के अंदर विद क्वेश्चंस हम जैसे जो भी टॉपिक डिस्कशंस करते हैं उन टॉपिक्स के बाद में हम एक आ, आ, जैसे क्लैट में आता है आपका एक पैसेज आता है पैसेज के साथ कुछ क्वेश्चंस आते हैं हम उस तरीके का पैटर्न का हम आपको डिटेल्ड वर्जन देते हैं हमारे एप्लीकेशन के ऊपर वो हमारा एप्लीकेशन आपको यहाँ दिख रहा है उसमें प्रीमियम स्टडी मटीरियल्स है करंट अफेयर डेली क्यूजेज मैगजीन्स नोट्स एंड आर्टिकल्स वीडियोज़ पावर कैप्सूल सब्जेक्ट वाइज क्यूजेस एंड जॉब की कब कब कौन कौन सी वैकेंसीज ओपन हो रही हैं, सो so, बने रहिए हमारे साथ और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें और डाउनलोड करके इसका यूटिलाइजेशन आप फुल कर सकते हैं थैंक यू एंड हैव ए गुड डे एनर्जाइज डे थकना नहीं है चलते रहना है बाय एवरीबडी